आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मुगल्स आखिरकार भारत आए क्यों। चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको एक क्या कहते हैं एक इंसाइट दूंगा कि आखिरकार मुगल्स आए क्यों भारत। तो मुगलों के बारे में हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। मुगल्स की बात करें तो इनको मोगोल्स बोला जाता है, मोंगोल्स, डिसेंडेंट है ये मोंगोल्स के। मैं आपको शुरू से बताता हूं, 1206 में मंगोल एम्पायर पहला नोमैडिक एम्पायर बना और पूरे यूरोप तक फैल गया, पूरे यूरोप तक। चंगेज खान ने इस तरह नाबूद किया, लेकिन चंगेज खान ने भारत को अटैक नहीं किया तो पूरा फैल गया ये यूरोप तक। अब हम ये देखते हैं कि जब मंगोल्स आगे बढ़े, भाई आज का जो सेंट्रल एशिया है वहां पर भी मंगोल्स का कब्जा हो गया, तो हम ये मुगल्स जो थे वो ये मोगोल्स ही बोला जाता, मोगोल्स, दे वर बेसिकली द डिसेंडेंट्स ऑफ मोंगोल्स, समझ रहे हैं। 16th सेंचुरी में मंगोल, टर्किश, ईरानियन, अफगान इन्वेडर्स जो थे, दे इन्वेडेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जाहिरुद्दीन बाबर 1526। चलो ये तो खाली देखो मुगल्स के बारे में एक बात जानो कि मुगल्स का रूल भारत में बाद में, अगर मेडिवियल पीरियड के बाद की बात करें तो इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि शाहजहां ने और अकबर ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी भारत बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्लरिश कर रहा था। ऐसा तो था नहीं कि मुगल्स आए तो ही इन्होंने फ्लरिश करना शुरू किया, इससे पहले भी बहुत पहले से ये मतलब जो मुगल्स, जो भारत है वो पहले से ही फ्लरिश कर रहा था। अब भारत की क्या कंडीशन थी, पहले भारत के बारे में जान लो। वैसे आपको बता दूं कि बाबर जो है वो ग्रेट ग्रैंडसन था तैमूर का, तैमूर लेम, तैमूर के भी बारे में अभी बताएंगे, पहले भारत के बारे में जान लो। भारत जो है मौर्यन एम्पायर है पहले, बहुत बड़ा एम्पायर, उसके बाद है गुप्तास जो अगेन बहुत बड़ा एम्पायर, उसके बाद भारत जो है वो स्प्लिट होता गया, ठीक है, बहुत सारे एरियाज में बट गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, 2 घंटे का सेशन आप देखिएगा पूरा का पूरा। तो हुआ क्या कि ऐसा नहीं है कि इस्लामिक इन्वेजन, क्योंकि 632 एडी में सऊदी अरेबिया में इस्लाम का उदय हो गया। आपने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पे मेरा लेक्चर देखा कि नहीं, कल ही अपलोड हुआ है, जरूर देखो। तो इधर इस्लाम का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ अरब में, तो इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, वह अफ्रीका गया, वहां पे इस्लाम पहुंचा और इन्वेजन चालू हुआ। भारत में भी आया, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, यहां पे अटैक किया लेकिन फिर वापस लौट गया। उसके बाद वापस क्या लौट गया, बेसिकली कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहां पे आया तो उसके बाद उसकी वो हालत हुई, भले उसने इन्वेड कर दिया था, देखिए पहले जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे ना उनका ये नहीं था कि यहां पे हमको रूल करना है, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी बहुत कोशिश की, यहां के राजा इतने तैयार थे, इतना बुरा मारा कि दोबारा इन्वेजन हुई नहीं। फिर उसके बाद होता है 1000 AD में, आज से 1000 साल पहले, वो 1024-1018 से शुरू हुआ और लगातार महमूद ऑफ गजनी आता गया। और महमूद ऑफ गजनी जब आया, मतलब 1024 तक उसने काफी इन्वेड किया, मथुरा टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल को रेड किया। फिर महमूद ऑफ गजनी ने जब इन्वेड करने की मतलब सोची, मतलब उसके बाद जब महमूद ऑफ गजनी मरा, उसके बाद जब उसके डिसेंडेंट ने ये सोचा कि चलो, जो उसका पोता था, कि चलो हम इन्वेड करते हैं भारत को, तो सुहेल देव ने, राजा सुहेल देव ने वो मजा चखाया कि उसके बाद हालत खराब हो गई। यहां पे मुस्लिमों को लग गया कि भैया यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं, और अगले 150 सालों तक कोई इन्वेजन नहीं हुआ। फिर 1191 आता है, वहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, देन 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई। हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और महमूद घोरी आ गया। अब वहां से फिर मुस्लिम जो रूल है वो शुरू हुआ, स्लेव डायनेस्टी आई सबसे पहले 1206 से लेकर 1290 तक, फिर खिलजीज आए, फिर उसके बाद तुगलक्स आए, देन उसके बाद सईद आए, देन लोदीज आए। लोदी जो थे, लोदीज के बाद हम ये देखते हैं, इसको पूरा दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, लोदी के बाद आए मुगल्स। तो अब आप ये समझिए कि लोदी 1453 में लोदियों का साम्राज्य शुरू हुआ, इससे पहले जो सईद थे, सईद वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया, देन लोदीज भी अफगान्स थे।
तो बहलोल लोधी आया। बहलोल लोधी एक बहुत ही एबल राजा था। उसके बाद आया सिकंदर लोधी, गजे सिकंदरी, आगरा को उसने कैपिटल बनाया। देन आया इब्राहिम लोधी 1517 में। इब्राहिम लोधी पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठा हुआ था, बहुत घमंड में चूर, वो किसी की सुनता ही नहीं था। वही है ना कि जब आप, जैसे आपने बड़ी मेहनत की, कोई साम्राज्य बनाया, आपको पता है उस साम्राज्य की कीमत, क्योंकि वो आपने चुकाई है। लेकिन जो आपके बच्चे होंगे उनको कभी पता ही नहीं, वो ऐशो आराम में पले, तो उनको लगता है अरे सब हमारी बपौती है। तो वही इब्राहिम लोधी के साथ था। अब ये बात हुई भारत की। भारत में ऑलरेडी मुस्लिम रूल जो है, इस्लामिक रूल जो है, वो चल रहा था। लोदीज रूल कर रहे थे, मेडिवियल पीरियड। अब इधर सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा था, आप कोई आप खुद बताइए कि सेंट्रल एशिया में हम ये देखते हैं कि यहां पे पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। अब आप खुद बताइए कि मान लीजिए आपका घर बहुत बढ़िया है, आपको दूसरे घर में जाना पड़े, क्यों? आपकी मजबूरी होगी। दूसरे घर में आपको पता है कि बहुत बढ़िया किस्मत का ताला हो सकता है। अगर आप पहले घर में खुश हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरे, लेकिन पहले घर में खुश नहीं है तो इसका मतलब आपको दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बाबर अपने घर में खुश नहीं था, ठीक है? बाबर जो था, देखिए सबसे पहले सेंट्रल एशिया में आपको मैं बता दूं तैमूर के बारे में, सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा था। तैमूर जो है, तैमूर लेन जिसको बोला जाता है, जिसने 1398 में पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। 1336 में इसका जन्म हुआ, 1405 तक रहा। तिमुरिद एम्पायर का फाउंडर था ये, तिमुरिद एम्पायर, जो कि बहुत समय तक चला। और तैमूर ने तिमुरिद एम्पायर को हर जगह फैला दिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया पे भी तिमुरिद का कब्जा रहा। कैपिटल इनकी समरकंद थी। 1405 के बाद हेरात हो गई। 1370 में ये हम ये देखते हैं कि तिमुरिद एम्पायर बना, तैमूर आया। तिमुरिद नाम ही ना, तैमूर पे के नाम पर, बड़ा खतरनाक था, एक बहुत ही एबल रूलर था, बहुत ही, समझ लीजिए जहां पे जाता था तो गर्दन काट के पूरा पिरामिड बना देता था। दिल्ली को तहस नहस कर दिया था इसने, पूरा समझ लीजिए नालियों में खून की नदियां बह रही, नहर पूरी लाल हो गई रक्त से, इतना मारा था। पीकॉक थ्रोन उठा के ले गया था ना ये, एकदम सोने से जड़ी, समझ लीजिए कि उस समय जो तुगलक वंश था, तो इतना डर गया था जो सुल्तान था, कि उसने खुद जाके इसको चाबी दे दी कि भैया ये खजाना है, जितना लूटना है लूट लो, इतनी हालत खराब कर दी थी। तो तैमूर का बाबर ग्रेट ग्रैंड सन था, समझे आप? आगे बढ़ते हैं, तो बाबर के बारे में थोड़ा सा, चलिए मैं आपको आगे क्या बढ़ते हैं। वैसे बाबर की बायोग्राफी मैंने प्रॉपर कवर की हुई, अगर आपको मालूम नहीं है तो। जाहिरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर। अब पॉलिटिकल सिनारियो क्या था भारत में, क्या था, मैंने बताया ना भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तुगलक्स के बाद भारत का जो नॉर्दर्न रीजन था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में, इधर राजपूतों ने आजादी घोषित कर दी, इधर बंगाल सल्तनत हो गई, इधर मतलब समझ लीजिए कि आप ये समझिए कि बट गया था। बाकी सईद और लोदी दोनों ही जो डिसरप्टिव फोर्सेस थी उनसे जीत नहीं पाए, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस काफी ज्यादा वीक हो चुका था। अब नॉर्थ वेस्ट जो आज का पाकिस्तान है, भाई कहीं इन्वेजन होगा कहां से? ये सेंट्रल इंडिया से आएगा बाबर, अफगानिस्तान से होते हुए, तो पाकिस्तान आज मतलब उस समय का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आज का पाकिस्तान है, तो वो दरवाजा है एक तरीके से, और अगर वो कमजोर होगा तो इस दरवाजे से आराम से एंट्री मिल जाएगी। ऊपर से सेंट्रल इंडिया में सुल्तान महमूद खिलजी जो दो थे मालवा के, वो भी डिक्लाइन पे थे। अब सेंट्रल एशिया में क्या हालात थे, पर्शिया में क्या हालात थे, क्यों आखिरकार बाबर आया? तिमुरिद 1405, जब तक तैमूर रहा तब तक तो सब बढ़िया, 1405 के बाद तिमुरिद डिक्लाइनेशन पे चले गए। तो अब हम ये देखते हैं कि 12 साल की उम्र में बाबर ने थ्रोन को असेंड किया, फरजाना का, ये सोचिए सिर्फ 12 साल की उम्र में, 1483 में इसका जन्म हुआ, 82 में इसका जन्म हुआ, 12 साल की उम्र में इसको राजा बना दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको कुछ समझ में आएगा? बाबर सब समझ गया, पैदा होते ही ट्रांसऑक्सियाना जो आपको दिख रहा है आज तुर्किस्तान ही है। तो आप ये समझिए कि जब बाबर आया सेंट्रल एशिया में, तुर्किस्तान हो गया, और ये सब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी,
तो पैदा होते ही इसने सब दांव पेच सीख लिए थे। समझ लीजिए कि इसकी पैदा होते ही ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। फरजाना और समरकंद, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। बाबर को पता था अगर यहां पे कब्जा कर लिया तो पूरे सेंट्रल एशिया का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन समरकंद, देखिए बाबर और बाबर के पिताजी का बहुत जल्द देहांत हो गया, 1494 में बाबर के पिताजी का देहांत हो गया, तभी ये आए। और लेकिन इनके जो चाचा जान थे, इनसे अक्सर इनकी प्रॉब्लम होती थी। इनके चाचा जान चाहते थे कि हमारा बेटा गद्दी पे बैठे, बैठ गया बाबर, तो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। समरकंद को दो बार जीता, 1497 में, 1500 में, लेकिन तुरंत हार गया। उधर फरजाना भी हार गया, इधर उज़्बेक्स परेशान करते थे इनको बहुत ज्यादा। लेकिन 1504 में बाबर ने जीत लिया काबुल, और जब बाबर ने काबुल को जीता तो चीजें बदल गई। 1504 में देखिए काबुल में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी, ठीक है। बाबर ने उन ट्राइब्स को हराया, जो छोटी छोटी ट्राइब्स थे उनको, फिर बड़ी ट्राइब्स को, और अल्टीमेटली 1504 में हम देखते हैं कि काबुल पे कब्जा हो गया, ठीक है। उलुक बेग मिर्जा जैसे ही 1501 में मरा, तुरंत काबुल को बाबर ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वही है ना कि बाबर चाहता था कि सेंट्रल एशिया पे पूरा उनका कंट्रोल, लेकिन सेंट्रल एशिया में पावर बटी हुई थी, तो सेंट्रल एशिया में कंट्रोल करना लगभग लगभग मुश्किल था। बाबर फिर भी कोशिश किया कि सेंट्रल एशिया पे हम कब्जा करें, समरकंद हेरात पे कर, और समरकंद और फरजाना पे कब्जा करें। फरजाना पे तो जन्म ही, भाई जन्म स्थान है बाबर का, तो चाहता ही था कि यहीं पे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पावर स्ट्रगल इतना ज्यादा था, शाह इस्माइल सफावी ने मदद की बाबर की, लेकिन अगेन शाह इस्माइल की हार के बाद उज़्बेक्स और बाबर के बीच में हमेशा जंग। मैंने बताया ना, उज़्बेक्स बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उज़्बेक्स भी ट्राइब्स थी। अब उज़्बेक्स जो है वो बाबर को कभी इस एरिया को जीतने ही नहीं दिया, हमेशा हरा देते थे। उज़्बेक्स बेसिकली टर्किक एथनिक ग्रुप था सेंट्रल एशिया का, और अभी तक का इट इज द लार्जेस्ट टर्किक एथनिक ग्रुप। आज उज़्बेकिस्तान जो एरिया है ना, वही समझ लीजिए कि इनका इनका दबदबा रहा। अगर हम उज़्बेक्स की बात करें सेंट्रल एशिया पे, इधर बाबर थे, इधर उज़्बेक्स, इधर सफाविद, जीते उज़्बेक्स, बाबर को इधर आना पड़ा भारत में। क्योंकि जैसे ही तिमुरिद एम्पायर टूटा, तिमुरिद एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, तो ऑटोमान, सफाविद और उज़्बेक्स में टूट गया सेंट्रल एशिया में, कि सेंट्रल एशिया को कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोमान, सफाविद की उज़्बेक्स। सफाविद शिया थे और उज़्बेक्स और ऑटोमान सुन्नी थे, और मुगल्स भी सुन्नी थे, लेकिन उज़्बेक्स नेचुरल एनिमी थे मुगल्स के, जिसने बाबर और बाकी तिमुरिद प्रिंसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खुरासन और समरकंद, ये सब इनको छोड़ना पड़ा। सेंट्रल एशिया पे इनका काफी दबदबा था। ये चीज 1519 तक का अफगानिस्तान, मतलब भाई आज तो काबुल कैपिटल है, तो 1519 तक अफगानिस्तान पे कब्जा रहा बाबर का। लेकिन वही है ना कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहे। एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही पीसफुल रूल नहीं था बाबर कभी। बाबर एक अच्छा रूलर था, ऐसा बोला जाता है कि बाबर बहुत खतरनाक है वो। देखिए खतरनाक तो कट्टर तो था, लेकिन रूलर एक एबल रूलर था। और ये सारी चीजें थी, भारत आके बहुत ज्यादा खुश हुआ था, बहुत ज्यादा जब भारत आया था खूब तारीफों के। बाबर ने बाबरनामा लिखी है ना, एक इंटेलेक्चुअल भी था, पढ़ने लिखने का शौकीन, तो बड़ी तारीफें लिखी हुई हैं। तो अब क्या हुआ था कि भैया अफगानिस्तान में भले ही था, सेंट्रल एशिया से बाबर को खदेड़ दिया गया, अफगानिस्तान में भी कुछ खास चल नहीं रहा था, लोगों का पेट भरना था, बाबर की बड़ी आर्मी थी उनको खाना देना था, अब क्या करें, धीमे धीमे वेल्थ खत्म हो रही थी। इधर इब्राहिम लोदी का रूल बद से बदतर होता जा रहा था, एकदम पगला रूलर था इब्राहिम लोदी, उसको कुछ नहीं, वो किसी की नहीं सुनता था। तो भैया जो गवर्नर था दौलत खान लोदी, और ऐसा बोला जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को, अब ये कितना सही है कि नहीं, लेकिन दौलत खान लोदी ने तो इनवाइट किया था कि भैया आओ इन्वेड करो, भारत पे हमला करो। शुरुआत में बाबर ने यही सोचा था कि मैं आऊंगा और वेल्थ लूट के चला जाऊंगा, बस ज्यादा मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है। लेकिन जब वो भारत आया और जब उसने भारत को इन्वेड किया भीर पे, देखिए 1519 से लेकर 1524 पांच सालों तक बाबर यहाँ पे 6 बार लड़ा। बाबर की दो टैक्टिक, पहले वो आता था डिप्लोमेसी, यहाँ पे जो रूलर्स थे जो राजा थे उनसे बोलता था कि यार चलो दोस्ती कर लेते हैं, अगर वो नहीं मानता था तो बाबर हमला कर देता था, ठीक है। अब बाबर की आर्मी बहुत बड़ी नहीं थी, 15 से 20 हजार ही लोग थे। इब्राहिम लोदी की आर्मी दोस्तों 1,00,000
मतलब 1:5 का रेशियो, लेकिन फिर भी बाबर के हर एक जो सोल्जर था वो बड़ा ताकतवर इसलिए था क्योंकि वो ट्रेंड आर्मी थी। बाबर की आर्मी वॉज प्रॉपरली ट्रेंड, क्योंकि वो बैटल लड़ लड़ के अभ्यस्त हो चुके थे सेंट्रल एशिया में। और इब्राहिम लोदी अपने में ही सस्ता नशा करके बैठा हुआ था। तो इब्राहिम लोदी, लेकिन इब्राहिम लोदी ने बड़ी तगड़े से लड़ाई की, ऐसा नहीं है कि इब्राहिम लोदी और बाबर बहुत अच्छे से लड़े, तगड़े से लड़े। तो 5 साल 1519 से लेकर 1524 तक 5 साल बाबर एक के बाद एक एरियाज को जीतता गया। और हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत 6 बार 6 बैटल लड़ी, से पहले 6 की 6 जीत डाली। भीड़ जीता इसने, सियालकोट 1520 और फिर लाहौर 1524। दौलत खान से भी इसके डिस्प्यूट हुए, लेकिन बाबर ने फाइनली पानीपत से, पानीपत में हमला किया। बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई। इब्राहिम लोदी एकदम घमंड में कि 1 लाख सोल्जर्स हैं, ये कर क्या लेगा, बाबर के पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास 1000 से 500 तो हाथी ही हैं, बाबर के काले 12,000 घोड़े। तो वही है ना, कभी कभी इंसान बहुत घमंड में हो जाता है कि अरे कर क्या लेगा। लेकिन दूसरे की आप कभी अंडर एस्टिमेट करिए, दूसरों मत करिए दूसरों पे, बहुत बड़ा सबक है यहाँ पे, अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो गए। बाबर ने ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर अपनाया, रूमी डिवाइस, भैया बाबर ने गन पाउडर यूज किया, तोप यूज की, तोप खाने चल रहे हैं, गन पाउडर यूज कर रहे हैं, भागे इधर सब, इधर तितर बितर हो गए ये जो इब्राहिम लोदी की सेना थी। और उसके बाद बाबर के जो आर्चर्स थे, जो तीरंदाज थे, वो बहुत ज्यादा तगड़े, बहुत ही ज्यादा तगड़े। तो बाबर की सेना बहुत ही कम थी, 20,000, दैट्स इट। इब्राहिम लोदी की बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद बाबर ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हम ये देखते हैं कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो बाबर आया क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंट्रल एशिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अगर बाबर फरजाना और समरकंद को जीत जाता तो हो सकता है वो भारत नहीं आता। यस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी वहां पे कि बाबर को भारत आना पड़ा। दूसरी चीज वेल्थ, वेल्थ के लिए भी भारत आया बाबर। भारत उस समय सोने की चिड़िया था, हर एक राज्य अपने में ही अमीर। भाई बाबर आया तो यहां पर रुका थोड़ी ना, उसको रेस्ट मिला ही नहीं। बाबर 1526 में आया, 1526 में लड़ाई की, मुगल रूल शुरू हो गया, फिर 1527 में बैटल ऑफ चंदेरी, फिर बैटल ऑफ खानवा, फिर बैटल ऑफ घाघरा, ये सब एक के बाद एक बैटल लड़ी गई, 1526, 28, 29 और 1530 में बाबर का देहांत हो गया अपने बेटे हुमायूं के चक्कर में। हुमायूं बीमार पड़ा, बाबर ने बोला कि इसकी सारी बीमारी मुझे दे दे, भगवान ने सुन ली। और हुमायूं एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था, बाबर ने जितनी मेहनत, बाबर का 1% भी नहीं था हुमायूं, और उसका उसको क्या कहते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बाबर दूसरा पॉइंट था वेल्थ, तीसरा था जिहाद। बाबर जो है इस्लाम को फैलाना भी चाहता था कि चलो भारत में आएंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, प्रसार करेंगे। शुरुआत में बाबर का यही हिसाब किताब था कि बस आएंगे और लूटेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब भारत आया, जब उसको लगा कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं, तो उसने फिर अटैक किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और यहां से ही मुगल रूल शुरू हो गया। तो ये कुछ रीजंस थे। अब फिर मुगल रूल अकबर के आने के समय अकबर ने एक्सपैंड किया, ठीक है, अकबर ने पूरा मुगल रूल को एक्सपैंड कर दिया, मतलब कंसोलिडेट किया और औरंगजेब ने पूरा एक्सपैंड कर दिया। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मुगल सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, मुगलों पे, मुगल क्या, मेडिवियल इंडिया, मेडिवियल हिस्ट्री में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।